तक जो है टेम्परेचर मीटर ले आया इसका। अब कोई कमी नहीं रही ट्रैक्टर में, अपने नॉर्मल टेम्परेचर पे आ गया, अखबार भी हटा दिए। नमस्कार भाइयों, भाइयों जो आज आपके लिए वीडियो लेके आए हैं भाइयों, वो वीडियो लेके आए हैं न्यू होलैंड 3630 रॉकेट की वीडियो लेके आए हैं भाइयों। ठीक है जी, जैसे कि मैंने आपको डिलीवरी वीडियो में दिखाया था और रिव्यू वीडियो में भी आपने देखा था कि ये ट्रैक्टर जो है रॉकेट है, ये स्पेशल एडिशन नहीं है। स्पेशल एडिशन के बस इस पे जो है स्टिकर लगवाए हैं। ठीक है भाइयों, तो बाकी आपको मैं और दिखा देता हूँ, इसकी एक बार प्लेट में आपको और दिखा देता हूँ, मैंने पहले भी दिखाई है दोनों ही वीडियो में। ये देखो भाइयों, ये सेकंड मंथ और 2023 की मैन्युफैक्चरिंग है भाइयों, और आज अगर डेट की बात करें तो आज 18 तारीख है, और 18 तारीख को आज जो है इस ट्रैक्टर को रवा करेंगे। रवा करने की जो है वीडियो बना रहे हैं आज, और बाकी जो है आपको पूरा दिखाएंगे कि कैसे ट्रैक्टर को रवा करते हैं। थोड़ा सा पहले जो है चला के ट्रैक्टर को नॉर्मल टेम्परेचर तक ले आए थे, अब आपको आगे दिखाते हैं कि कैसे जो है ट्रैक्टर को पूरा दिन चलाएंगे भाइयों। आपको टाइम भी दिखाता हूँ मैं, आपका टाइम और वीडियो के एंड में भी टाइम देखना, आप ट्रैक्टर को कितना टाइम चलाएंगे और किस किस इम्प्लीमेंट पे चलाएंगे आपको सारा दिखाता हूँ भाइयों मैं इस वीडियो में। बाकी अब जो है सरदार जी से बात करते हैं। सत श्री अकाल सरदार जी। सत श्री अकाल जी। तो सबसे पहले जी आप ये बताओ, आप ट्रैक्टर किस तारीख को लेके आए हो? मैं ये लेके आया हूँ 17 तारीख में। 17 तारीख में, और आज कितनी तारीख है? आज 18 तारीख है। अच्छा, तो जैसे कुछ भाई कह रहे हैं कि रॉकेट जो है फाइबर कनोपी के साथ नहीं आता जी, ये कनोपी वाला ट्रैक्टर जो है एडिशन है, ये रॉकेट नहीं है, तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? देखो जी, पहली बात तो ये कि पहले बात नंबर की बात है कि यूपी का पहला ट्रैक्टर है रॉकेट जी, पहली बात तो ये है। ठीक है, दूसरी बात सही बात है, रॉकेट कनोपी के साथ नहीं आता, लेकिन ये पहला मैन्युफैक्चर्ड विद कनोपी ट्रैक्टर है ये जी, रॉकेट जो हमने स्पेशली ऑर्डर पे तैयार करवाया है। ओके, तो मतलब और कितने ट्रैक्टर आप कह सकते हो कि कितने कनोपी के साथ तैयार हुए हैं? देखो, अगर आइडिया लगाया जाए तो मेरे ख्याल 2-4-5 ट्रैक्टर और मुश्किल से होंगे, लेकिन सबसे पहला ट्रैक्टर कनोपी के साथ यही था जो डिलीवर हुआ है। जो डिलीवर हुआ है, टॉप मॉडल लिया है हमने, इसमें आप कलर भी देख सकते हैं, आप देख सकते हैं बिल्कुल भाइयों मैट कलर है, ये मेटालिक पेंट है भाइयों, बिल्कुल जो एडिशन में आता है वही पेंट के साथ। ये 3630 सुपर में नहीं आता भाइयों, हाँ। ये सिर्फ रॉकेट और आपको स्पेशल एडिशन दोनों में ही मिलता है, ये रॉकेट में भी नहीं आता। अच्छा, ये स्पेशल एडिशन का ही टॉप मॉडल लिया है हमने जैसे रॉकेट का जी, तो इसमें ये मैट पेंट इसमें आया है, अदरवाइज आपको वैसे मिलेगा जैसे सुपर में आता है। अच्छा जी, जी जी। तो आज क्या कर रहे हो ट्रैक्टर के साथ? देखो जी, आज इसकी इसकी आंख एक एक आंख खोल लेंगे, पूरी पूरा पूरा खोल लेंगे जी। तो आज आप इसे रवा कर रहे हो? रवा कर रहे हैं, 8 फुट का रूटर है पीछे, 8 फुट का रूटावेटर है भाइयों, और मैंने आपको डिलीवरी वीडियो में दिखाया था कि 2017-18 की गरारी इस रूटावेटर में हमने डलवा दी थी, 8 फुट का रूटावेटर है, बिल्कुल नए ब्लेड है भाइयों, अभी कल ही तो बाय किया है, तो अभी तो कुछ भी नहीं चला, आप देख लो शक्तिमान का 8 फुट रूटावेटर है। दर्शक जो अगर कोई किसान भाई को शक हो कि भाई ये ट्रैक्टर जो है रॉकेट नहीं है स्पेशल एडिशन, आपको हम आपको आप एसएफसी प्लेट दिखाइए इसकी, जरा एसएफसी प्लेट दिखा दी मैंने, वैसे आप एक बार दिखा, मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, ये देखिए इसकी 46 HP की वो है PTO पावर दिखाई हुई है जी, ठीक है ना, और आप सभी जानते हैं कि 4 पावर कम आती है ट्रैक्टर पावर से जी जी बिल्कुल। पहले जो था जो स्पेशल एडिशन था उसकी क्या 51 पॉइंट लिखी आती थी जी, HP P2 HP। अच्छा जी, तो इसकी आप देख सकते हैं 46 HP लिखी आई हुई है जी, तो आप यहीं से अंदाजा लगा सकते हैं कि इसकी हॉर्स पावर कितनी है इलेक्ट्रिक की। बाकी और अगर कोई शक हो किसी को जी, किसी बात का, किसी को कोई ऐसा हो कि भाई स्पेशल एडिशन है या कैसे है, हम जब भी इसकी RC आ गई आपके चैनल के माध्यम से हम किसान भाई को दिखा देंगे कि इसकी RC में कितनी HP लिखी हुई है। तो भाइयों इससे बड़ा जो है प्रूफ कोई नहीं हो सकता ये ट्रैक्टर कौन सा है। ठीक है भाइयों, तो सरदार जी एक बार दर्शकों को जो है आप इसका बोनट खोल के दिखाओ, तो इस साइड से आ जाते हैं भाइयों। सबसे पहले अगर भाइयों बात करें तो है रूटर पंप के साथ ये ट्रैक्टर आया है, ये स्पेशल एडिशन है वैसे के वैसे ही है कि जी, लेकिन इसमें क्या है कि पंप में मॉडिफिकेशन करके और थोड़ा बहुत जो है कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत पावर की कम करके जी, तो उससे दिया है वही टर्बो है जी, ठीक है ना, वही इंजन सिलेंडर सब कुछ वैसे ही है, वही 3131 CC का इंजन है बिल्कुल, और इसका रोटर पंप हो गया, ये आप देख सकते हैं बिल्कुल बिल्कुल वही चीज है सब कुछ, लेकिन इसमें क्या डिफरेंस कर दिया, इसकी पावर जो को रिड्यूस करके सरकार के नॉर्म्स जो है जी जी अकॉर्डिंग इसकी जो है पावर जो है 49.5 कर दी है, 49.5 RC पे, RC पे भी कर दिया, वैसे 49.5 ही है जी बिल्कुल। तो पंप से मॉडिफिकेशन करके भाइयों इसकी HP घटा दी
इंजन वही है, इंजन वही क्योंकि है। जब हमने चलाया, हमने स्पेशल एडिशन भी चलाया, हमने सुपर भी चला के देखा है, हमने 3600 डैश भी चला के देखा है, तो अगर देखा जाए सबके परफॉर्मेंस तो इसकी नॉर्मल है, लग रहा है कि हाँ बाकी इसमें 50 सुपर से ज्यादा है और एडिशन से हल्की सी कम है, हल्की कम है और सुपर से थोड़ी परफॉर्मेंस इसकी ज्यादा है, ज्यादा है जी हाँ। तो भाइयों कूलर वगैरह सब कुछ आप देख सकते हैं, सब वही है जी भाइयों, ये वही अपना पावर स्टीयरिंग का जो है तेल ठंडा करने के लिए, और भाइयों ये आगे कूलेंट आ जाता है। तो भाइयों तो जेड़े मेरे पंजाब दे वीर ने उन्होंने फिकर करने की कोई लोड़ नहीं, जिवें वो कहंदे सी वी एडिशन बंद हो जाएगा, एडिशन भाई कदे भी बंद नहीं होना वीरो, क्योंकि एडिशन जो है कंपनी का एक अहजा ट्रैक्टर है जिन्हों हर एक जगह पसंद किया जाता, एडिशन कंपनी कदे भी बंद नहीं करेगी। ये एडिशन आ गया हूँ ये उत्ते, बस एच पी जो है आर सी के उत्ते एच पी घटाई गई है, इंजन के पंप तो थोड़ी जी घटाई गई है, वो मोडिफिकेशन करके आप कह सकते हैं भी थोड़ी जी तेल बढ़ा के एडिशन वर्गा ही यह काम करेगा। ऐसा सरदार जी आपने बताया कि आप इसको रवा कर रहे हो, तो आप इसको पहले नॉर्मल टेम्परेचर तक तो ले आए होगे है ना, तो भाइयों नॉर्मल टेम्परेचर देखते हैं भाइयों ट्रैक्टर का पहले हम, तो यहाँ तक जो है भाइयों इसकी सुई आ चुकी है, इसके बाद भाइयों अब जो है इसके आगे अखबार लगाएंगे और अखबार लगा के इसको पूरा गर्म करेंगे, आपको पूरा दिखाएंगे कि कितने घंटे ट्रैक्टर चलाया है भाइयों, ठीक है जी। भाइयों अखबार देखो, अखबार लगा दिया रेडिएटर के आगे, अगर बाहर जाली पे अखबार लगाते तो ट्रैक्टर गर्म नहीं होता, तो इस वजह से अंदर ही लगा दिया, लंबा चलाएंगे भाइयों, जब ट्रैक्टर की टेम्परेचर मीटर उठ जाएगा तो अखबार निकाल के जो है बाहर जाली पे लगा देंगे, ताकि टेम्परेचर जो है नीचे ना आए, एक संतुलन में चलता रहे काफ़ी टाइम तक ट्रैक्टर का। सरदार जी कौन से गियर में चलाओगे भाई? पहले लो में चलाएंगे। पहले लो में कितने आरपीएम पर भाई? 2000 में चलाएंगे। 2000 पर, ठीक है जी। दोनों लीवर नीचे छोड़ दियो जी। भाइयों पहले की लो में चलाया है अभी, ट्रैक्टर का जो है आरपीएम ड्रॉप करके चलना चाहिए, तो इस वजह से जो है इस तरीके से चला रहे हैं। तो भाइयों सिर्फ रूटावेटर पर नहीं चलाएंगे इस ट्रैक्टर को आज, हर एक इम्प्लीमेंट पर आज ही इसको रवा कर देंगे। भाइयों अगर खेत की बात करें तो गन्ने का खेत है भाइयों, और एक बार जो है हैरो निकाल रखी है आप देख लो, और हैरो के ऊपर जो है रूटावेटर चला रहे हैं। मिट्टी देखो भाइयों आगे, और कितने आरपीएम ड्रॉप करके चल रहा है आपको वो भी दिखाता हूँ। तो भाइयों जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों 300 आरपीएम ड्रॉप करके चल रहा है भाइयों ट्रैक्टर, नॉर्मल से ऊपर चला गया है, अभी इसको और ऊपर लेके जाएंगे, आर
जो फुल करती है 2300 RPM ट्रैक्टर के, और 2000 RPM पर आ गया, 300 RPM ड्रॉप करके चल रहा है भाई ट्रैक्टर। तो यहाँ तक जो है टेम्परेचर मीटर ले आए इसका, अखबार हटा के जो है दोनों साइड लगा दिया और जाली कर दी बंद। ये देखो इस कंडीशन तक जो है ट्रैक्टर आ चुका है। अब मिट्टी देखो भाई रूटावेटर के आगे। तो ये भाइयों रवा करने के बाद अभी भी भाइयों जो है टेम्परेचर मीटर ऊपर ही है ट्रैक्टर का, ऊपर ही कंट्रोल पे रखा है ताकि जो है नॉर्मल टेम्परेचर तक अब तक ट्रैक्टर नहीं आने दिया हमने, नॉर्मल से ऊपर ही है। इस साइड भी अखबार है, फ्रंट में भी है और परली साइड भी भाइयों जाली पे अखबार है। तो भाइयों देख लो दोनों लीवर ड्रॉप करके भाइयों पहले किलो में छोड़ दिया ट्रैक्टर को, कोई ड्राइवर वगैरह नहीं बैठा ऊपर। अब परफॉर्मेंस देखो भाइयों, आवाज सुनो भाइयों एक बार ट्रैक्टर की। आपको एक बार टेम्परेचर मीटर दिखाता हूं मैं, देखो भाइयों टेम्परेचर मीटर आधे घंटे से भाइयों जो है ना ही इससे ऊपर जाने दिया है टेम्परेचर मीटर और ना इससे नीचे, भाइयों नॉर्मल से ऊपर है ये। तो भाइयों अब परफॉर्मेंस चेक करो भाइयों ट्रैक्टर की, 2000 RPM पर चलाया था और भाइयों 200 RPM ड्रॉप कर रहा, तीसरे की लो में है भाइयों ट्रैक्टर, तीसरे की लो में चल रहा है ट्रैक्टर। अब भैया 200 से ज्यादा RPM ड्रॉप ही नहीं कर रहा ट्रैक्टर, ये देखो कोई धुआं वगैरह नहीं मार रहा। अब भाइयों पूरा खुल चुका है ट्रैक्टर, भाइयों परफॉर्मेंस देखो ट्रैक्टर की, ट्रैक्टर पूरा कंप्लीट हो गया, पूरा रवा हो गया भाइयों। अब कोई कमी नहीं रही ट्रैक्टर में, अपने नॉर्मल टेम्परेचर पे आ गया, अखबार भी हटा दिए। अब देखो भाइयों अब इसके ऊपर आपको बंदे भी खड़े करके दिखाएंगे,